जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको पीपल पथवारी की कहानी सुना रहा हूँ। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि जा तू ये दूध और दही बेच करके आ। वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि बहुत सी औरतें पीपल सींचने आई हैं। वह उन्हें देखकर वहां बैठ गई और उसने उन औरतों से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा कि इसको करने से क्या लाभ होता है। उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तो वह भी मिल जाता है। उनकी बातें सुनकर वह गुजरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब वह गुजरी हर रोज वहां आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कि महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। महीना खत्म हुआ और पूर्णिमा आ गई तो वह गुजरी पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जा और गुल्लक में रख देना। घर जाने पर सास ने पूछा कि पैसे लाई हैं। तब उसने कहा कि मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुल्लक में हीरे और मोती जगमगा रहे थे, पत्ते धन में बदल गए, जिन्हें देख सास बोली कि इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने सारी बात सास को बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते डंडे और भाटे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि मैं भी पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। सास दूध दही तो बेच आती और दूध और दही की हांडी धोकर पीपल की पथवारी में रख आती थी। घर आकर वह बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। सास के बार बार कहने पर आखिर बहू ने सास से पैसे मांग लिए तो वह पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने बाटे पत्ते डंडे और पान उसे भी दिए और उसने गुल्लक में जाकर रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक फोड़ा तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब गुजरी ने अपनी सास से पूछा कि यह सब क्या है। सास कीड़े देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तुझे धन दिया लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए। इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सभी कुछ सच्चे मन से किया था लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया, इसलिए पतवारी माता ने तुम्हें धन की जगह कीड़े मकोड़े दिए हैं। इसलिए हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे पतवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा ही अपने भक्तों को देना। बोलो पीपल पथवारी माता की जय।